जैसा कि आप लोग अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, एक लाइन है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, है ना, कैन मेक मैन परफेक्ट। भाई हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं इस लाइन का मतलब बताने के लिए, बहुत सारे, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं इस लाइन का मतलब बताने के लिए। पहले भी बताया, आज भी बता देता हूँ आपको, एक स्टोरी सुनाते हैं, है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस की। तो हुआ क्या कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक मैच चल रहा था, है ना। तो इंडिया का बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर, जो क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, और सामने साउथ अफ्रीका का बेहतरीन गेंदबाज डेल स्टेन, है ना, डेल स्टेन, दोनों आमने सामने थे। एनकाउंटर हुआ दोनों का, पहली ही बॉल पर सचिन रमेश तेंदुलकर को डेल स्टेन ने बोल्ड मार दिया। जैसे ही बोल्ड मारा तो भाई उसका डेब्यू मैच था, और जब उसका डेब्यू मैच था तो हुआ क्या, ये बहुत ज़्यादा खुश हुए डेल स्टेन। जब खुश हुए तो ये गए कहाँ, सचिन तेंदुलकर के पास, और उन्होंने एक बॉल ली, बॉल को लेके गए और सचिन रमेश तेंदुलकर के पास पहुँचे और बोले कि सर मुझे अपना इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए एक। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए और उस बॉल पर सचिन रमेश तेंदुलकर ने लिखा, इस लाइन का मतलब समझना, कि जा, आज से ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो ना क्या लिखा, कि जा, आज से ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और डेल स्टेन वर्सेस सचिन तेंदुलकर, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, 40 से 50 एनकाउंटर हुए, कभी भी डेल स्टेन ने सचिन तेंदुलकर को बोल दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, और जब सचिन तेंदुलकर ने लिखा होगा कि जा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, तो भाई साहब ये सचिन रमेश तेंदुलकर पड़े पड़े खेल नहीं रहे, सॉरी पड़े पड़े घूम नहीं रहे या कुछ कर नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इसीलिए एक लाइन बनी है, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास करोगे उतना ही चमकोगे। कभी सोचा हीरा क्यों चमकता है, जब तपता है तो चमकता है, जब घुसोगे तो चमकोगे, और जो भी करोगे भाई, इफ यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ सो द गॉड विल गिव यू मल्टीपल फोर टाइम्स। आप जो भी करते हैं उसका आपको लाइफ में चार गुना होके मिलता है, फोर टाइम्स मिलेगा, मल्टीपल फोर टाइम्स इन योर लाइफ, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी फेमस स्टोरीज हैं जिनको मैं आगे भी बताऊंगा, आपको बताते चलूंगा, ठीक है।